सकता है राम गुलाम का बेटा। हाँ कल आप फोन करेगा क्या? रिजर्व जाके लिए फोन किया था। और दूसरा क्या महेंद्र है? महेंद्र सिंह धोनी खोजा वाली का लड़का है। खोजा वाली महेंद्र का तो हम नहीं जानते। अभी आ गया पीने का टाइम है। चाय के जगह पर ये पीना है। क्या पीना है? क्या चीज? लोहारा बाजार में की बिकाई है, सब तरह के दवाई बिकाई है। दवाई रुक कर देखी देखी बुखारवा खत्म नहीं हो छे केना रहब तोहर। यह तो बोलता है कल की वीडियो के बाद से मैंने ये वीडियो कंटिन्यू रखा है। तो ये सेट जब मैं आपसे बातें की उसके बाद मैं नीचे चल गई थी क्योंकि उस समय हल्का हल्का बारिश आ गया था। उसके बाद बारिश तुरंत रुक गई थी तो उसके बाद मौसम मतलब बादल एकदम काला हो गया था। तो हम लोग दोबारा से फिर छत पर आए थे तो वहीं हम लोग यहाँ पर इंजॉय कर रहे थे। बच्चे लोग भी बहुत ही मस्ती कर रहे थे क्योंकि मौसम बहुत ही अच्छा हो गया था। हल्का ठंडा तो हो ही गया था पर थोड़ा गर्मी भी कर दिया था उसके बाद से। ऐसा मौसम जितना बादल काला था पर वैसा बारिश नहीं हो रहा था। मौसम बहुत बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो सब हम लोग अपना इधर उधर टहल रहे थे। सृष्टि भी अपना खूब मस्ती कर रही थी। तो ये वीडियो संदीप बना रहा है तो वही अपना दिखा रहा था। पूरा यहाँ का व्यू सब दिखा रहा है आप लोग को। फिर ऊपर से आने के बाद मैंने अपना बाल झाड़ा, फिर मैंने मम्मी का मैं झाड़ दिया क्योंकि मम्मी का झाड़ा हुआ नहीं था तो वो झड़ाना नहीं चाह रही थी। पर मैंने जीत करके पिलाओ मैं तुम्हारा भी झाड़ देती हूँ तो मैं उसका झाड़ रही थी। बाकी सब मुझे चिढ़ा रहे थे कि वीडियो में दिखाने के लिए कर रही है पर ऐसा कुछ नहीं था। मैंने देखा कि मम्मी सुबह से नहीं झाड़ी हुई थी इसलिए मैंने मम्मी का भी बाल इस समय झाड़ दिया। तो इस समय सब मुझे बहुत ही चिढ़ा रहे थे कि वीडियो बनाने के लिए कर रही है मम्मी की सेवा। सब मुझे चिढ़ा रहे थे, हस्बैंड और रीसु ये दोनों मिलके चढ़ा रहे थे मुझे। तो ये शाम का समय है तो मैं यहाँ डिनर की तैयारी कर रही हूँ। तो सब सब्जी सब कट कर रही है क्योंकि बच्चों लोग का डिसाइड हुआ, उन लोग का मन था पाव भाजी खाने का और बहुत देर में इन लोग ने डिसाइड किया था क्योंकि हम लोग एक घंटा से डिसाइड ही कर रहे थे क्या बनेगा। कोई कुछ बोल रहा था, बच्चे लोग को मन था कि कुछ अलग बनना है कुछ अलग बनना है। तो डिसाइड करते करते लास्ट में पाव भाजी का, उसके बाद कुछ कुछ सब्जी भी नहीं थी तो वही हम लोग फिर लाने गए। उसके बाद पाव लाए, बटर भी नहीं था, बटर लाने गए। डिसाइड होते बच्चे लोग थोड़ा मस्ती कर रहे हैं तो आप लोग को पीछे से आवाज़ भी आ रही होगी। तो वही सब कट कर रहे थे, 7 बज गया था। तो ये देख लीजिए जल्दी बनाने के चक्कर में क्या हालत है किचन का। मैं रेसिपी उतना डिटेल में शेयर नहीं कर रही हूँ क्योंकि बच्चे लोग को बहुत जल्दी थी, मुझे बार बार आके तंग कर रहे थे किचन में जल्दी बनाओ मम्मी जल्दी बनाओ। तो इसीलिए मैं पूरा डिटेल में शेयर नहीं कर रही हूँ। जब पीछे से 3-4 और सब पीछे किचन में आ जा रहे थे तो मैं जल्दी जल्दी परेशान हो रही थी इसलिए मैंने ज़्यादा डिटेल में शेयर नहीं किया। बहुत ही तंग कर रहे थे सृष्टि संदीप रीसु सब मिल के मुझे तंग कर रहे थे इसलिए मैं जल्दी जल्दी बनाने में लग गई थी। तो मैं डायरेक्ट पहले सब्जी उबाल के मैं बनाती थी पर अभी मैंने सब डायरेक्ट पहले मसाला सब भून लिया है, उसके बाद सारा सब्जी डाल के मैं पूरा 5-6-7 सीटी लगा दूँगी और उसके बाद मैं सिल लूँगी मैं। तो सब देख लीजिए सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं। मम्मी यहाँ सृष्टि और संदीप को कोई स्टोरी सुना रही है, वो अपनी मतलब बहुत पुराना स्टोरी हम लोग को भी जो सुनाती थी वो आज
अपने नाती नतनी को सुना रही हैं, तो वही लोग सुन रहे थे। मम्मी अपना बैठे बैठे ये वाला जो स्टोरी सुना रही थी ना, हम लोग को भी सुनाया करती थी छोटा में। और यहाँ सृष्टि अपना कहानी भी सुन रही है, और देखिए मेरी दुपट्टा से खेल भी रही है। तो बच्चे लोग को तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था, लोग मजा कर रहे थे। तो नानी लोग का कहानी को कुछ अलग ही रहता था, बहुत ही अच्छा लगता। तो हम लोग की भी नानी थी, तो हम लोग को भी बहुत सुनाया करती थी। मम्मी भी हम लोग को छोटा में बहुत सुनाती थी कुछ कुछ कहानी, अपने गांव का, अपने मम्मी घर का, नानी घर का सब सुनाती थी। उसके बाद मैं फिर से आ गई हूँ किचन में अपना सारा चीज़ रेडी करने के लिए। तो ये सब जो फैला हुआ था वो सब समेटने आ गई हूँ। तो मैं आप लोग से इस समय कुछ कुछ बोल रही थी, पर बाद में देखा तो पीछे से बहुत आवाज़ आ रही थी, इसलिए मैंने उसे म्यूट कर दिया। तो यहाँ ऐसे तो मेड आती है, पर मैं ये छोटा मोटा जो मैंने छितरा रखा था वो सब मैं धो लेती हूँ, ये सब नहीं छोड़ूंगी। मम्मी तो मना कर रही थी कि बर्तन वगैरह मत कुछ करना, हम लोग बर्तन नहीं धो रही मम्मा, ये सब चॉपर ये सब सब धो के रख दे रही हूँ, क्योंकि मेड आती है उसे, इसलिए उस सबका दिक्कत नहीं। तो यहाँ मैं धनिया पत्ता ये सब कट कर ले रही हूँ। तो यहाँ पाव भाजी बन गई है, तो जैसे जैसे बनता जा रहा है मैं सबको खाना देते जा रही हूँ। तो संदीप सृष्टि को मैंने दे दिया है, ये रीसु के लिए है। उसके बाद पापा लोग ये सब ज़्यादा नहीं खाएंगे, पापा ये सब उतना नहीं खाते हैं। तो बस उन्होंने एक पीस मांगा था, और उनके लिए रोटी भी बना है, तो वो रोटी और सब्जी खाएंगे। और ये भी मैं एक पीस दूंगी, ये भी खाएंगे। वो घर का बाहर का तो एकदम नहीं खाना चाहते, क्योंकि अब उन लोग का एज है, सब तेल वगैरह वाला उतना नहीं खाते हैं। तो ये तो आप सब भी आ जाइए हम लोग के साथ डिनर करने, पाव भाजी। तो ये रिशु के लिए मैं लेके जा रही हूँ। तो आज का डिनर हम लोग का यही है, बाकी मैं और भी ब्रेड है मैं सेक ले रही हूँ पाव को। तो यहाँ मैंने बटर डाला, थोड़ा सा भाजी डाला है, धनिया पत्ता डाला है। तो मैं अब इनके लिए निकाल रही हूँ, और बच्चे लोग बीच बीच मांग रहे हैं, तो लोग उसी तरह मैं सेक के देते जा रही थी। तो यहाँ मैं बोल रही थी कि मम्मी भी ये सब नहीं खाती है, क्योंकि मम्मी लोग मम्मी को गैस उसका प्रॉब्लम है, तो अभी उतना उन्हें, और ऐसे भी अभी तबीयत ठीक नहीं है, तो ये सब वो ऐसे भी नहीं खाएगी, और शुरू से ये सब नहीं खाती है मम्मी जल्दी। तो मम्मी पापा बस एक पीस खाए थे, वो खाए थे ज़रूर, क्योंकि घर का है तो वो टेस्ट कर लेते हैं, बाहर का ये सब नहीं खाना चाहते हैं, तो उन्हें अच्छा भी लगा। तो यहाँ मैं इनके लिए सेक रही थी, तो इन्हें भी दे दूँगी, उसके बाद मैं भी लेके बैठ जाऊँगी। पहले बच्चे लोग को मैं बीच बीच में थोड़ा सा उन लोग को दे देती हूँ। तो यहाँ देखिए मैं हम और ये डिनर कर रहे हैं, क्योंकि हम ही लोग दोनों बचे हुए थे, बाकी सब कुछ खा चुके हैं। तो आप सब भी आ जाइए। हेलो एवरीवन, तो यहाँ हम लोग का डिनर सब हो गया है। अब मैं बेडरूम में आ गई हूँ सोने के लिए, क्योंकि अब मैं जा रही हूँ सोने के लिए। तो मैंने सोचा थोड़ा आप लोग से बातें कर लूँ। तो सबको ही का हो गया है, और अभी 9:30 ही हो रहा है। जल्दी जल्दी जैसे जैसे बनते चला गया, सबको जल्दी से हम लोग ने मतलब सबको खाना दे दिया। और सृष्टि वहाँ देखिए छुट्टी क्या कर रही है, देख लो। तो अब हम लोग तो वही बेडरूम में आ गए, तो मैंने सोचा चलो थोड़ी सी बातें कर लेती हूँ आप लोग से। तो पापा अभी न्यूज़ देख रहे हैं, खाना खा लिए, तो वो खाना खाने के बाद थोड़ा टहलते हैं रूम में ही, तो टहल रहे हैं। मम्मी भी अब मम्मी का भी हो गया, तो मम्मी अपना कुछ कर रही है, तो वो भी आ जाइए बेडरूम में। सब हम लोग खाओ के निश्चिंत हो गए हैं। नानी से लगाओ, मम्मी लगा देगी नानी। कम कम नहीं, ज़्यादा लगा कम कम लगा ना है। तो अगर आप कैसी कम लगाना है, तो आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। मैंने तो आप लोग को बाय बाय कर दिया था, उसके बाद बच्चे लोग को यहाँ पर मम्मी तेल लगा रही थी। संदीप मुझसे ही बोल रहा था, पर
मम्मी ने कहा था कि मैं दोनों को लगा दूंगी और संडे को सब अपना सर धो लेंगे, तो इसीलिए मैंने कहा था कि जाके नानी से लगवा लूँ, क्योंकि बोल रही थी मम्मी कि बैठे बैठे सबको मैं लगा दूंगी। तो संदीप को बहुत अच्छा लग रहा था मसाज करा के, बहुत ही आराम लग रहा था। मैंने बोल मतलब मैं मना भी करी थी कि ज़्यादा मत लगाना, बस उसको तेल लगवाना था क्योंकि संडे के दिन सब बाल धोएंगे ना, तो इसीलिए। फिर माँ पूरे अच्छे से उसका मसाज कर रही थी, फिर सृष्टि को भी लगा दी थी, और मैं नहीं लगाना चाह रही थी, उसने मुझे भी पकड़ के लगा दिया, मतलब तेल का सिलसिला चल रहा था।